अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मुकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। रमजान के पेश नजर छोटे ताजिरों को नरमे फराहम करने एडिशनल स्पीकर अनखेरे से एम ए लतीफ ने की मांग, कहा पुलिस की खिदमत नाकाबिले फरामोश। भैंसा शहर में गैर कानूनी गुटके का कारोबार उरूज पर, रात के अंधेरे में अमल में आ रही है मुंतकिली। खानापुर अरफात कॉलोनी की राशन दुकान से 35 क्विंटल चावल के गैर कानूनी मुंतकली, पुलिस की जानिब से चावल को किया गया जब्त। खानापुर के मौजूद राजूरा में अमल में आया कार्डन सर्च, 80 मोटरसाइकिल, 15 ऑटो के अलावा दिगर अशिया किया गया जब्त। मिटपली में आशा वर्कर्स, महकमे सफाई के अमला और दिगर की ICTU बनी आवाज, तनख्वाहों को बढ़ाए जाने की मांग। भैंसा शहर के कांग्रेस शायद ऑल इंडिया पोलिंग बूथ रियासती तर्जुमान एम ए लतीफ ने DSP दफ्तर पहुंचकर IPS ऑफिसर एडिशनल स्पीकर किरण खरे से मुलाकात की और एक तहरीरी यादाश्त पेश करते हुए आने वाले रमजान के पेश नज़र छोटे ताजिरों के साथ नरमी फराहम किए जाने का मुतालबा किया। इसके अलावा इन्होंने एडिशनल स्पीकर किरण खरे की जानिब से की जा रही खिदमात की भी सराहना करते हुए भैंसा शहर के हालात को बनाए रखने पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सुपर सलाम मोहम्मद कुरैशी, मुकीम कुरैशी के अलावा दिगर मौजूद थे। भैंसा से हमारे नुमाइंदे हमीदुद्दीन की रिपोर्ट। जिले निर्मल के भैंसा शहर में गुटखा कारोबार काफ़ी उरूज पर है। रात के अंधेरे में बड़े ही चालाकी से गुटखा ताजिर गुटके को एक मुकाम से दूसरे मुकाम मुंतकिल करते हैं। भैंसा शहर में होने वाले कार्डन सर्च के बावजूद भी गुटखा ताजिर अपने सरकार से बाज आने से खासी नजर आ रहे हैं। इस तरह गुटखा कारोबार से होने वाली आमदनी की लालच को देखकर आम इंसान भी इस कारोबार में मुलविस नज़र आ रहा है। भैंसा शहर का कदीम गुटखा दुकान जो SK जरदा स्टोर के नाम से मशहूर है, इसमें गुटखे की मौजूदगी की इतला पाकर भैंसा शहर के यंग एंड डायनामिक सब इंस्पेक्टर MA मलिक ने दुकान पर छापा मारते हुए करीब 27,000 रुपये की लागत का गुटखा जब्त किया, जिसमें अंबर, सागर, पान मसाला के अलावा दिगर गुटखा शामिल है। इस मामले को लेकर दुकान मालिक शेख आमिर वल शेख कदीर पर एक मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। भैंसा से हमारे नुमाइंदे मुशरफुद्दीन की रिपोर्ट। जिले निर्मल के खानापुर अरफात कॉलोनी की राशन दुकान से गैर कानूनी तौर पर 35 क्विंटल चावल को मुंतकिल किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए चावल को जब्त कर लिया और DT के हवाले कर दिया गया। इस तरह की हरकत से कहना बेजाना होगा कि गरीब की बढ़ती हुई आबादी में यह हरकत और रिश्वतखोर आला अहदेदार इसके मुकम्मल जिम्मेदार हैं। खानापुर से हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। जिले निर्मल के खानापुर के मौजूद राजूरा में सुबह के अवलिन सातों में जेर निगरानी सर्कल इंस्पेक्टर अजय बाबू कार्डन सर्च अमल में लाया गया। इस मौके पर दस्तावेजात की अदम मौजूदगी की बिना पर 80 मोटरसाइकिल, 15 ऑटो को जब्त किया गया। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर अजय बाबू ने कहा कि गाड़ियों के दस्तावेजात की जाँच के बाद मालिकीन के हवाले कर दिया जाएगा। इस मौके पर PMB सब इंस्पेक्टर महेश के अलावा दिगर पुलिस अहलकार मौजूद थे। खानापुर से हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन की रिपोट। కొంతమంది దొంగబండ్లు ఉండడం అలాంటివి చేస్తున్నాం కాబట్టి వాటిపైన వివరించేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. దీని గురించి క్లుప్తంగా మా DSP వివరిస్తారు. వాళ్ళ సగం ఏదో దొరుకుతుళ్ళు, అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లు అన్ని వస్తున్నాయి మాకు. వాళ్ళ తాత అమ్ముకుళ్ళు, తండ్రి అమ్ముకుళ్ళు, రఘువీ తండ్రి రాజు, రాజు వాళ్ళ నాయన కమ్మేసిండు. నాయన రాజు వాళ్ళ నాయన అమ్మిన దానికి రాజు వస్తాడు. నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాను 20,000, ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాను అన్నాడు. ఎప్పుడో కోరుకుంది 20 సంవత్సరాలు గెలిచిన ముందు మళ్ళీ ఇప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ చేపించుకుంటారు పబ్లిక్. అట్లా తయారైంది సొసైటీ కాబట్టి. जिले जगत्याल के मिटपल्ली ICTU की जेर निगरानी में आशा वर्कर, सफाई का अमला, बैंक का अमला और दिगर ने तनख्वाहों में इजाफे को लेकर एक एहतजाज मुनज़िम किया। बाद हज़ार रैली की शक्ल में RDO दफ्तर पहुंचकर एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए मुतालिबात को रियासती हुकूमत तक पहुंचाते हुए हल्के जाने का मुतालबा किया। मिटपल्ली से हमारे नुमाइंदे फिरोज खान की रिपोर्ट।
కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న కార్మిక ఉద్యోగ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు మరి దేశవ్యాప్తంగా కార్మిక వర్గమంతా సమ్మెలో పాల్గొంటున్నది ఈ సమ్మె మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా దిగువచ్చి కార్మిక సమస్యలు పరిష్కరించాలా ప్రధానంగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పిచ్చిన ప్రకారమే సమాన పనికి సమాన వేతనం లేదు కనీస వేతనాల చట్టం ప్రకారం 20